रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं चिकन तहरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत ही यमी और टेस्टी लगता है बनने के बाद। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार ले लिए हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है और 1/2 चम्मच इसमें जीरा पाउडर का यूज़ किए हैं। 1/2 छोटा चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर है, 1/2 चम्मच चिकन मसाला पाउडर है, ज़रूरत के हिसाब से नमक लेंगे। 1/2 छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला है और 2.5 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है और घी हम ज़रूरत के हिसाब से लेंगे। 2 तेज़पत्ता है और 1 साबुत लाल मिर्च है और कुछ गर्म मसाले खड़े हैं, स्टार है, जावित्री है, दालचीनी है, लौंग है और हरी इलायची है और 3 हरी मिर्च है और 1/2 चम्मच इसमें साबुत जीरा है, पुदीना के कुछ पत्ते हैं और 2 मीडियम आकार के प्याज कटे हुए हैं, 2 मीडियम साइज के टमाटर कटे हुए और फ्रेश धनिया पत्ती है और 1 कटोरी दही का यूज़ किए हैं, 15 ग्राम इसमें काजू के टुकड़े का यूज़ किए हैं और 1 कटोरी इसमें मलाई है और रिफाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। बासमती राइस ले लिए हैं हम 3 कप। इस कप से हम 3 कप बासमती राइस नाप करके ले लिए थे। चिकन 1/2 किलो है, इसे अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब चिकन को हम मैरिनेट कर देंगे 1/2 घंटा के लिए। तो मैरिनेट के लिए हम इसमें दही डाल दिए, उसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और चिकन मसाला पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे। नमक चिकन के हिसाब से डालेंगे और 1 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच इसमें तेल डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल डाल के। इसको अच्छा से मिलाकर हम 1/2 घंटा के लिए रख देंगे। उसके बाद हम चावल फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें घी डाल करके 2 चम्मच घी डाल देंगे और इसमें खड़े गरम मसाले डाल देंगे और इसमें काजू डाल देंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा ही फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें चावल डाल करके फ्राई करेंगे। चावल को हम पहले धो लिए थे, फ्राई करने से पहले हम 10 मिनट पहले चावल को धोकर रख देंगे, तब हम फ्राई करेंगे। और चावल को लगातार हम मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे। चावल फ्राई करके डालेंगे तहरी में तो बहुत अच्छा बनता है, खिले खिले चावल बनेंगे। और इस तरह से हम चावल को लगातार फ्राई करते रहेंगे ताकि चावल नीचे से लगे ना। और ये देखिए इस तरह से फ्राई हो गया है चावल। अब हम एक भगोना लेंगे, उसमें 4 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें साबुत जीरा डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे और प्याज डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को भूनेंगे, प्याज को नरम होने तक और ब्राउन होने तक भूनेंगे। इस तरह से देखिए नरम भी हो गया है और थोड़ा ब्राउन दिख रहा है। इसमें हम लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, जो बचे हुए लहसुन के जितने पेस्ट थे हम सब इसमें डाल देंगे और इसका बस कच्चा स्मेल चला जाए तब तक हम भूनेंगे। 1/2 मिनट लगेगा लहसुन को भूनने में और ये भून चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसमें सूखे मसाले यूज़ करेंगे। धनिया पाउडर डाल दिए और लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं और हल्दी पाउडर डाल दिए, जीरा पाउडर डाल दिए और काली मिर्च पाउडर डाल दिए और इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और लगातार इसको हम भूनते रहेंगे टमाटर और मसालों को। थोड़ा इसमें हम पानी ऐड करते रहें ताकि मसाले ना जले, तो थोड़ा पानी हमें यूज़ करना पड़ेगा। और इसे हम 2 मिनट तक पका लेंगे। इस तरह से तब हम इसमें डाल देंगे चिकन, मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसमें डाल देंगे और चिकन को हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे। चिकन को हम लगातार 4 से 5 मिनट तक गैस का फ्लेम हाई करके भूनते रहेंगे।
तब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आ जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए कलर चेंज हो गया है, इसमें से खुशबू भी अच्छा आने लगा है। ये चिकन भून गया है, अब हम इसमें डाल देंगे चावल, फ्राई किया हुआ चावल डाल देंगे। चाहे तो हम इसमें चावल को सिर्फ ऐसे ही डाल सकते हैं, फ्राई नहीं करेंगे तो भी इसमें हम डाल सकते हैं चावल को, और नमक हम स्वाद के अनुसार डाल लेंगे, और चिकन मसाला और गरम मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हम चिकन मसाला मैरिनेशन के समय भी थोड़ा डाल दिए थे, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम हम इसको मीडियम ही रखेंगे। इसमें धनिया पुदीना और हरी मिर्च डाल देते हैं, पुदीना से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। धनिया और पुदीना इसमें हम डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम पानी डालेंगे। पानी हम चावल की मात्रा के हिसाब से लेंगे, जैसे 3 कप हम चावल लिए हैं तो 6.5 कप पानी लेंगे। उसके बाद हम इसमें मलाई यूज़ करेंगे। चाहे तो हम मलाई को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मलाई डालने से टेस्ट अच्छा था और चावल भी अच्छे बनते हैं। तो इसमें 1 कटोरी मलाई हम डाल दिए, और इसमें घी डाल देंगे 1 चम्मच, और इसे हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट लग जाएगा हाई फ्लेम पर, उबाल आने तक पकाएंगे। जब पानी थोड़ा सूखने लगे, 3 से 4 मिनट के बाद देखिए पानी एकदम सूखने लगेगा, तब हम इसे ढक देंगे और 10 से 12 मिनट तक दम पे इसको पकाएंगे। अब 10-12 मिनट के बाद ये कितना अच्छा बन गया है, खिले खिले चावल लग रहे हैं और चिकन तहरी तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। हम इसे रायता के साथ सर्व कर रहे हैं। तो चिकन तहरी की रेसिपी आपको कैसी लगी, ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये आपको कैसी लगी, और मेरे ऐसे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।